दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 38, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। ये आपको एक एपी दी हुई है, इसमें पूछा है कि कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म आपकी 78 होगी। तो 78 को अगर हम ए एन मान लें, यानी हमें ना इसके अंदर एन निकालना है, तो ए एन हम 78 को मान लेते हैं। मान लिया कि ए एन आपका 78 है, तो यहाँ से आपका ए एन का फॉर्मूला लग के एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका 78 उसी नंबर पे आएगा। तो यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन। लेट हम 78 को ए एन मान लेते हैं, यानी कि ए एन हो गया हमारा 78। अब ए एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी, इसे 78 के बराबर पुट कर लेंगे। ए मिलेगा आपको अपनी एपी से 3 है, प्लस एन आपको निकालना ही है एन माइनस वन। एन का मतलब होता है कि कौन से स्थान पर, जैसे कि ये 3 फर्स्ट प्लेस पे है, 8 टू पे है, 13 आपका थर्ड प्लेस पे है, ऐसी 78 की इसके अंदर प्लेस पूछी है, और प्लेस जो होता है ना वो आपका एन से डिनोट होता है, और ए एन होता है उस प्लेस की वैल्यू। डी की वैल्यू चाहिए हमें, डी भी आपको अपनी एपी से मिलेगा, तो यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। अगले में से पिछला माइनस, यानी 8 माइनस 3, डी आ गया आपका 5। यहाँ 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 78। अब ये दो टर्म दिख रही हैं आपको, इसमें जो 3 है इसे पहले मैं इधर जाके माइनस कर दूंगा, क्योंकि प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है दूसरी तरफ। यहाँ बच गया आपका एन माइनस वन और ये 5। इधर फर्दर सॉल्व किया, ये आपका 75 आ गया, ये एन माइनस वन 5 के बराबर 75। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एन माइनस वन बच जाएगा, तो 75 के डिवाइड में चला जाएगा आपका 5, और डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। अब एन माइनस वन आपका 15 है, तो एन कितना हो जाएगा, 15 में ये जो माइनस वन है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एन आ गया आपका 16। तो 16th प्लेस के ऊपर आपका 78 है, और यही आपका आंसर है। तो आंसर में ऐसे लिख देंगे, ये पूछा ना विच टर्म, इसी तरह से लैंग्वेज में लिख देंगे, देयर फोर 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ये इसका आंसर। फिर क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि कितनी टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। ये आपकी एपी 7 से शुरू हो रही है, 7, 13, 19, और यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, ये लास्ट में लिखा हुआ है ना 205, यानी यहाँ पे ये आपका 205 जो है ये एंड का नंबर है लास्ट। तो अगर ये एपी इस तरह से है तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, यानी अगर 205 को हम ए एन मान लेते हैं और फिर वहां से एन निकाल देते हैं, एन का मतलब है 205 कौन से प्लेस पे होगी, तो वो प्लेस लास्ट होगा, और लास्ट प्लेस का मतलब है कि आपकी एपी के अंदर उतने ही टर्म्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ए एन के बराबर रख के सॉल्व करना है, तो इसे लेट कर लेते हैं। देखिए 7 है इसमें आपका ए, डी इसमें आपका हो जाएगा, पहले लिख लूँ मैं यहाँ पे, ए आपका 7, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़नी है आगे। डी हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी कि 6, और क्वेश्चन में आपको एन निकालना है, तो लेट कर लेता हूं मैं। लेट 205 इज द एंथ टर्म। एंथ टर्म मतलब ये मेरी लास्ट की टर्म है, इसे मैंने एन मान लिया, तो एन ही निकल के आ जाएगा, अगर पता चल जाएगा इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। तो अपना सिंपल एन का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, जब 205 को मैंने एंथ टर्म मान लिया तो इसका मतलब ये है कि ए एन इज इक्वल टू 205।
अभी इधर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू 7 है, एन तो आपको निकालना ही है, एन माइनस वन एज इट इज, डी आपका 6 है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 205। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स आती हैं, ये हमेशा ना आपकी यहाँ पे ये दो टर्म आएंगी, ए अकेला होता है प्लस के साथ में ये ब्रैकेट और इन टू में ये आपका डी होता है, तो उसके में ना आप ये वैल्यू अगर दे रखी है आपको तो इससे पहले मूव कर लिया करें, तो 205 और ये इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका एन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर 6। इक्वेशंस के रूल आपको पता होंगे कि पहले प्लस माइनस की चीज़ मूव होती है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड मूव होता है, तो ये स्टेप बन जाएगा एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 माइनस करते हैं तो 198 आ गया। अब ये दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको मल्टीप्लाई में है, 6 यहाँ से हट सकता है तो इस 6 को मैं इधर ले जाके डिवाइड में कर लूँगा और यहाँ बच गया सिंपल एन माइनस वन, और 198 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 198 डिवाइडेड बाय 6, 6 3s are 18, 108 3, पूरा 33 आ गया आपका। अब यहाँ से n निकालना है तो n को बिल्कुल अकेला रख लेंगे और ये जो माइनस वन है ये दूसरी तरफ जाके आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 33 में ये जाके प्लस हो गया और n की वैल्यू आ गई आपकी 34। तो 205 आपका लास्ट टर्म है और ये 34th प्लेस के ऊपर है, यानी इस एपी के अंदर आपके टोटल 34 नंबर्स हैं, नंबर्स बोलें या टर्म्स बोलें, तो फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे आप, इट हैज या दिस एपी हैज 34 टर्म्स, इस तरह लिखना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी है इसी तरह का है वो भी, उसमें भी आपको सेम नंबर यही बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, एपी दे रखा है। सबसे पहले आपने ए और डी लिख लिया करें क्योंकि उनका तो सम के अंदर यूज होता ही है, तो मेरा ए है क्वेश्चन में 18 और डी मैं निकालूंगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा, यानी 15.5 में से माइनस करना है 18, तो 15.5 कितना हो जाएगा, इसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 15 2s are 30 और ये 1 ऊपर हो गया 31/2 - 18। इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो एलसीएम तो 2 आएगा, 31 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का माइनस और ये चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, 18 2s are 36। जब तीन नंबर में हो ना ऐसे तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और ये वाला एज इट इज़ लिख दीजिए, एलसीएम से भी करते हैं तो जब भी वही तरीका होता है 2। तो ये आ गया आपका -5/2, ए 18 डी आपका -5/2। सेम वही क्वेश्चन है, -47 को आप मान लीजिए कि ये आपकी nth टर्म है, nth टर्म है तो ये हो गई आपकी an, तो लेट -47 इज द nth टर्म, तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू -47। अब इसमें एन का फॉर्मूला लगा के आपका एन आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -47। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे, प्लस एन तो निकालना ही है आपको, एज इट इज रहेगा ये ब्रैकेट, और डी हमने यहाँ पे निकाल दिया -5/2, -5/2 ये सारा बराबर है आपका -47 के। अब मैंने बताया आपको कि ये दो टर्म्स होती हैं, इधर वाली टर्म को आप पहले मूव कर लिया करें तो 18 इधर चला जाएगा, तो -47 के पास 18 आके माइनस हो जाएगा ऐसे, और यहाँ आपके ये नंबर बच जाएंगे n माइनस वन इंटू में -5/2। इधर इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका 40, 50, 65, ये माइनस का 65 आ गया आपका,
इसे एज इट इज लिख लें अभी आप, माइनस फाइव अपॉन टू। अब करेंगे आप इस वाले नंबर को मूव, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये आपका इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और क्योंकि दो नंबर हैं, तो जब दो नंबर होते हैं ना, तो जो आपका ऊपर होता है वो तो चला जाता है नीचे। इसका मतलब ये है कि फाइव आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में लग जाएगा, और टू आपका यहाँ डिवाइड में है, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में लग जाएगा ऊपर। और यहाँ बच गया एन माइनस वन। अब माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, और फाइव और सिक्सटी फाइव ये आपका थर्टीन पे आता है, तो फाइव वन ज़ार और फाइव थर्टीन ज़ार, और थर्टीन टू ज़ार ये हो गया आपका ट्वेंटी सिक्स। अब एन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स है, तो एन कितना हो जाएगा, एन के पास जो है माइनस वन है, इधर जाके प्लस में चला जाएगा। सिंपल रूल होता है इक्वेशन का, साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 27। यानी 27 जो है आपका, ये प्लेस है माइनस 47 का, 27वीं जगह पे आपका माइनस 47 है, और माइनस 47 आपका लास्ट में है। तो इस एपी के अंदर टोटल आपकी 27 टर्म्स हैं। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, दिस एपी हैज 27 टर्म्स। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ। सिक्स क्वेश्चन में कहता है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि ये जो माइनस 150 है ना, क्या इस एपी का कोई टर्म हो सकता है। अब टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए पता चलेगा कि हम मान लें कि माइनस 150, अपनी तरफ से मान लेते हैं पहले कि माइनस 150 ना एक इसका टर्म है, एज्यूम कर लेते हैं, और वो जो है आपका एन की जगह पे है। मतलब ये टर्म ऐसे कहीं जा रही है, ये एपी चलती जाएगी, और मान लिया कि 150 है कहीं पे, तो हमने एन मान लिया माइनस 150। और उसके बाद सॉल्व करके अगर हमारा एन एक नेचुरल नंबर आ जाता है, एन अगर एक नेचुरल नंबर आ जाता है जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, तो यानी कि इसकी एक प्लेस है। मान लीजिए एन आ जाए आपका यहाँ पे 40, तो इसका मतलब माइनस 150 40वीं जगह पे है। लेकिन अगर आपका एन आ जाए ऐसे कुछ 30.6 माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, तो फिर वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्लेस होती है ना, जो एन होता है, वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर होता है। तो सिंपल सा ये है, किस ए एन को आप माइनस 150 मान लें और अपना एन निकाल दें, और जैसा एन आएगा उसके आधार पे पता चलेगा कि ये इस ए पी का टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेट माइनस 150 इज द nth टर्म। मान लिया कि माइनस 150 कहीं पे आता है, तो अकॉर्डिंग टू ए एन हो गया माइनस 150। अब सिंपल यहां पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन और ये आपका डी इज इक्वल टू माइनस 150। अब ए की वैल्यू भरनी है, ए यानी कि आपकी एपी का पहला नंबर, ये आपका 11 है, प्लस एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, एन आपको पता ही नहीं है, और डी डी आपको चाहिए, तो डी यहाँ से निकाल लेते हैं। डी होता है आपका अगले में से पिछला नंबर माइनस, यानी ए टू में से ए वन माइनस, तो एट में से 11 माइनस हो गया और डी आ गया आपका माइनस का 3। तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस 3 लिखेंगे, अगर प्लस का नंबर होता तो मैं ऐसे भी लिख देता। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, जब भी आपके इस तरह से ब्रैकेट में चिपके हुए नंबर हो ना, वो प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू माइनस 150। अब सिंपल वही मैंने बताया, ये दो टर्म होती हैं आपकी, पहले आप इसे मूव कर लिया करें,
तो ये जो 11 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150 में माइनस 11, और यहाँ बच गया आपका n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। ए प्लस एन माइनस 1 डी, 11 हो गया, माइनस 161 आ जाएगा इस बार ये, और ये एज इट इज। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 161 के डिवाइड में चला गया आपका माइनस 3, और यहाँ रह गया आपका एन माइनस 1। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब तो ये तो यूज़ हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका कैंसिल, और 161 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं, चलिए अभी नहीं डिवाइड करते हैं, पहले पूरा नंबर बना लेते हैं इसको, ये मेरा 161 अपॉन 3 आ गया, क्योंकि पूरा डिवाइड हो नहीं रहा। अब माइनस 1 को इधर ले जाते हैं तो 161 के 161 अपॉन 3 के प्लस में चला जाएगा, और प्लस में जाके बनेगा ये, अब एलसीएम तो 3 आएगा। अभी मैंने लास्ट में बताया था आपको, जब इस तरह से तीन नंबर होते हैं तो 3 1 3, इसको यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये आपका प्लस और एस इज 161, तो इसे किया तो ये आपका 164 हो गया अपॉन में 3। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है। 164 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 15, माइनस किया 1 आया, और ऊपर से 4, 3 4 12, माइनस किया तो आपका 2 रिमाइंडर आ गया। तो n की वैल्यू आपकी आई 54 पूरे एंड 2 रिमाइंडर एंड 3। अब n जो है ना आपका नेचुरल नंबर तो नहीं आया, नेचुरल नंबर से ही तो गिनती होती है, तो माइनस 150 आपका इसके कोई टर्म नहीं है, ऐसे लिखेंगे इसे। बट n शुड बी अ नेचुरल नंबर, लेकिन n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, यानी जो हमने मान लिया ना -150 को कि भैया ये इसका एपी का टर्म है, तो हम गलत थे, आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, फाइनल आंसर ये है दिस, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये जो n वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा आपको, मतलब वैसे तो आपको पता चल भी गई होगी, बहुत सारे अब तक आपने सम्स देख लिए, 5.2 की एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। देखिए n होती है आपकी प्लेस, जैसे ये आपकी AP चल रही है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका 10 आएगा, तो A1 है ये, और ये जो 1 होता है ना यही n होता है, यानी इसकी फर्स्ट प्लेस है। अब ये A2 है यानी सेकंड प्लेस में 4 है, ये A3 है यानी थर्ड प्लेस पे कौन है 6 है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेकंड प्लेस पे तो 4 है और 2.5 प्लेस पे कोई और हो, क्योंकि प्लेसेस तो प्लेस ही होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, वो कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, वो आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो आपका कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये होता है इनका चक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं नेक्स्ट। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ये तो बहुत ही क्वेश्चन आसान आ गया आपका बीच में, ऐसे तरह के क्वेश्चंस तो आप पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। फाइंड द 31st टर्म, यानी कि आपको ये 31 निकालनी है,
और आपको दिया क्या है, इलेवंथ टर्म इज 38, यानी ए इलेवन दिया हुआ है। अब ए इलेवन क्या होता है, ए इलेवन होता है आपका ए प्लस 10 डी, और यही दिया हुआ है 38। दूसरी टर्म दे रखी है, 16th टर्म इज 73। अब 16th टर्म होती है आपकी ए 16, और इसे लिखते कैसे हैं, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ये तो पता है ना आपको कि डी के पास एन से एक नंबर कम होता है, क्यों, क्योंकि ए एन की जो जनरल फॉर्म होती है फॉर्मूला, वो आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। जितना यहाँ एन होता है ना डी के मल्टीप्लाई में, उससे एक कम होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 16 है ना ये 16, तो ए प्लस 15 डी लिखिए, ए 11 है तो ए प्लस 10 डी लिखिए। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम अपना, और ए और डी निकलेंगे। कर चुके हैं आप ऐसे पहले क्वेश्चंस, तो माइनस ये माइनस ये माइनस, ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आपका माइनस 5 आ गया, डी जो है माइनस 5 आ गया। और इनको माइनस किया तो ये आपका माइनस में तो नंबर आएगा, 73 में से 38 माइनस होगा, 13 में से आपका 8 गया तो 5, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3। माइनस कैसे लिया है, क्योंकि माइनस का बड़ा है, एक माइनस और एक प्लस है, माइनस 35। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 35 अपॉन में माइनस 5, यानी डी आ गया आपका 7। अब डी तो आ गया, आपको ए भी चाहिए, तो ए लाने के लिए इस डी की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन में भर दीजिए। मैंने 1 2 नाम दे देता हूँ, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो ए की जगह खाली प्लस 10 का 10 और डी की जगह 7 ले लीजिए इज इक्वल टू 38। सॉल्व करते हैं, ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो ए आ गया आपका 38 माइनस 70, यानी ए की वैल्यू आ गई, इसे माइनस प्लस और माइनस है ना, तो ये सबट्रैक्ट होगा, यानी 70 में से 38 माइनस होगा, तो ये आपका 32 आ रहा है, और माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस 32 आ गया आपका ये। तो ए आपको मिल गया, आपको डी मिल गया। अब आप जो चाहें वो टर्म निकाल सकते हैं, आपको 31 निकालनी है, यानी ए 31, तो ए 31 ऐसे निकलेगी, ए 31 हो जाएगा आपका ए प्लस 30 डी। ए में वैल्यू भरिए ए की, माइनस 32, प्लस का प्लस, 30 का 30, डी में वैल्यू भरिए डी की जो कि 7 है, ये माइनस 32 हो गया, 7 3 20 21, और ये 0, एक प्लस का और एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 210 में से 32 माइनस हुआ, तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 0 बच गया, 10 हो गया, 10 में से 3 गया आपका 7, यहाँ 1 बच गया, 178 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर आपका बड़ा है, यही आपका आंसर है। तो आंसर ऐसे लिख देंगे, 31st टर्म इज 178, ये आपका आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। NAP consists of 50 terms, of which third term is 12. एक AP है जिसमें आपकी total terms 50 है और उसकी third term 12 है, यानी A3 दे रखा है आपको, आपको given है A3 कितना 12, and the last term is 106. last term जो है वो आपकी 106 है, तो last term का मतलब क्या हुआ, total terms जब इसके अंदर आपकी 50 हैं, तो लास्ट टर्म कौन हुई आपकी, A50 तो हुई, तो इसमें A50 दिया हुआ है आपको, वो कितना है
106। तो फाइंड द 29th टर्म, तो आपको ये 29 निकालना है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा आपका 7th क्वेश्चन था। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं आपको, यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड से अपना ए और डी निकालेंगे, इसमें भरेंगे, ए 29 आ जाएगा। इसमें बस ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे अलग दे दी कि 50 टर्म्स टोटल हैं, तो बच्चे को डायरेक्ट नहीं बताया कि कौन सी टर्म क्या है, लेकिन यहाँ लिख दिया कि लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट अपने आप ही समझ जाएगा बच्चा। जब टोटल टर्म्स 50 हैं तो यानी लास्ट वाली कौन हुई, ए 50 तो हुई ना, तो बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। तो आपको गिवन है ए 3, थर्ड टर्म 12, और ए 3 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2D, यह है आपको 12 गिवन। दूसरी चीज आपको ए 50 दे रखी है, ए 50 को कैसे लिखेंगे, ए और 50 में से एक कम यानी 49, तो आपके डी हो गए 49 इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 106। चलिए बन गई आपकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ए आपका एलिमिनेट हो गया पूरा पूरा, डी बच गया आपके, एक प्लस और एक माइनस है ना, तो 49 में से 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 47D बच गया, और इधर ये भी प्लस माइनस के हैं तो सबट्रैक्ट होंगे, तो 106 में से 12 माइनस हो रहा है, 6 में से 2 गया आपका आया 4, और 10 में से 1 गया तो ये आया आपका 9, और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो -94 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई -94 अपॉन में, डी के पास मल्टीप्लाई में 47 है माइनस का, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 47 टू जा 94 होता है, तो डी तो आपका सिंपल 2 आ गया। अब ए और चाहिए आपको, तो ए लाने के लिए अपनी फर्स्ट में या सेकंड में जिसमें आपका मन चाहे उसमें डी की वैल्यू भर दीजिए, आपका ए आ जाएगा। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, लैंग्वेज लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी ए प्लस 2D, तो 2 की जगह 2 भरना है मेरे को, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 2 2 4 हो गया इज इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12, और प्लस का 4 है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 8। अब ए मिल गया मेरे को, डी मुझे मिल गया, मुझे निकाल लिया 29 टर्म यानी कि ए 29, तो यहाँ पे आंसर है ए 29 का मतलब ए प्लस 28D। वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 8 लिखना है, 28 एज इट इज, और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू यानी कि 2, 8 का 8 आ गया, 28 2 56, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया आपका 64, तो 29 टर्म आपकी 64 हो गई। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपसे पूछा ना फाइंड द 29 टर्म, ऐसे लिख देना आंसर, 29th टर्म इज 64। ये क्वेश्चन खत्म। तो चार क्वेश्चन करवाए मैंने आपको इस वीडियो में, आई होप आपको चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर भी कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।